हेलो एवरीवन, पॉपुलर किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चार बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन बॉक्स में रख सकते हैं। कम ऑयल में चटपटा बनने वाला बहुत ही टेस्टी हेल्दी मज़ेदार ये नाश्ते लगते हैं। कम ऑयल में कम सामान में बनने वाली ये हेल्दी रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पॉपुलर किचन रेसिपी को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्रेड का नाश्ता बनाते हैं, तो उसके लिए ले लेंगे हम यहाँ पर दो आलू मीडियम साइज़ के, जिसको हमने छील लिया है और पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। फ्रेंड्स, अब कच्चे आलू को है ना हमें ग्रेट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर ये हल्के मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम एक बाउल में पानी ले लेंगे, पानी में ही हमें आलू को ग्रेट करना है। इसका कारण है कि हमारे आलू काले नहीं पड़ेंगे, जो लच्छे हैं आलू के। तो फ्रेंड्स, हमें इनको है ना 3 से 4 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लेना है, जिससे कि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो देखिए, 3 से 4 बार मैंने साफ पानी से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ वेजिटेबल्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्च ली है बारीक कट करके और प्याज ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। ग्राइंडर जार में हम डालेंगे ये आलू भुजिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में। तो हमें इसको एकदम महीन करके पीस लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पीस लिया है, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। पैन में हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल या फिर बटर। जब ये गरम हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है यदि आप सौंफ डालते हैं इस नाश्ते में। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्रैकल हो गई हैं, तो हम यहाँ पर ये बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्की ट्रांसपेरेंसी हो जाए उतना ही हमें प्याज को भूनना है। अब हम यहाँ पर साथ में ऐड कर लेंगे आलू के लच्छे, जिसको हमने ग्रेट करके लिया था। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हमें इसको हाई फ्लेम पे ऐसे ही भून लेना है, जिससे कि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाए। बारीक कटी हुई हम यहाँ पे डाल देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हमें आलू के साथ अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, एक हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था कट करके, इससे एक अच्छी खटास सी आती है नाश्ते में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। नमक डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पे भूनना है सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। बारीक कटी हुई हम यहाँ पर डाल देंगे हरी पत्ता धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो स्टफिंग है वो बनकर रेडी है, तो हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक हम डो तैयार कर लेते हैं। सेम पैन ले लिया है मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। पानी मैं यहाँ पर 1 गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ 3 से 4 ब्रेड के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ब्रेड ऐड कर लेते हैं। यदि आपकी बची हुई ब्रेड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रेश ब्रेड भी ले सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये चारों ब्रेड डाल दिए हैं पानी के अंदर। साथ के साथ हम यहाँ पर 1 कप ले लेंगे भरकर सूजी। आप यहाँ पर बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं। नमक हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रख रखा है। सूजी जो है पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फ्रेंड्स, कुछ सेकंड में देखिए हमारे यहाँ पर ब्रेड और सूजी जो है एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसे साइड में हल्का ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हम इसे मसल लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से आटे को मसल लिया है। तो डो हमारा यहाँ पर रेडी है, स्टफिंग हमारी यहाँ पर रेडी है। जो हमने नमकीन को पीस करके रखा था वो हम स्टफिंग के अंदर ऐड कर लेंगे। यदि आपके पास नहीं है आलू भुजिया, तो आप कोई और नमकीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो नमकीन को मिक्स कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर नींबू जितने आकार की बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजिली बन जाती है। यदि हाथों में आपकी स्टफिंग चिपक रही है तो आप हल्का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस नाश्ते को बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लोई जितना एक पोर्शन लेंगे।
उसको हल्का सा हाथों से दबाते हुए चपटा कर लेंगे। यदि डो आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप हल्का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सूजी और ब्रेड का इस्तेमाल किया है तो हाथों में जो डो है वो चिपक सकता है। तो देखिए इस तरीके से एक बॉल्स लेकर के सील कर लेंगे, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उस तरीके से, और हल्का चपटा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इनको सैलो फ्राई करने की। तो फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारे यहाँ पर मीडियम हॉट गर्म है। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो स्नैक्स है वो ऊपर से जल्दी सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसलिए मीडियम हॉट ऑयल में हमें यहाँ पर सभी नाश्ते को सेक करके तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से सिक चुका है तो हम इसको पलट लेते हैं। इस नाश्ते को सिकने में 5 से 6 मिनट लगती हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो ये नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, सेम तरीके से हम यहाँ पर सारा स्नैक्स बना करके तैयार कर लेंगे। आप इस स्नैक्स को इंजॉय कर सकते हैं हरी धनिया की चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अब मैं आपको बीच में से तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा स्टफिंग भरी हुई है। बहुत ही टेस्टी है, हमारा चटपटा सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं, जब मेहमान आए तब उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर है ना सेकेंड रेसिपी भी देख लेते हैं। तो सेकेंड रेसिपी जो है वो है मेरी मूंग दाल और ब्रेड से, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये नाश्ता बन करके तैयार होगा। बच्चे क्या, बड़े भी अपना टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे, इतना टेस्टी गजब का ये नाश्ता लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं वैसे बता दूँ, मैं यहाँ पर मूंग दाल ब्रेड स्टिक बना रही हूँ। तो हम बच्चों को मूंग दाल जो है इस तरीके से भी बना करके खिला सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये स्नैक्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये मूंग दाल से ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी भर के ले रही हूँ मूंग दाल। आप यहाँ पर छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर बिना छिलके वाली मूंग दाल ले रही हूँ। तो हमें इस दाल को एक बाउल के अंदर डाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दाल को 4 से 5 बार साफ पानी से वॉश करना है, यानी कि दाल का जो पानी है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं मूंग दाल को 4 से 5 बार अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दाल को 4 से 5 बार साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब हमें दाल को भिगो करके रखना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी सोख करके रख सकते हैं, या फिर आप बनाने से 3 घंटे पहले दाल को भिगो करके भी रख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओवरनाइट सोक करने के लिए रखा है दाल को, क्योंकि मैं ये नाश्ता ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। तो हम इसे कवर करके रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट सोक करने के बाद में हमारी जो दाल है काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अब हमें इस दाल को है ना पीसना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये ग्राइंडर जार ले लूँगी और दाल को हम यहाँ पर 2 बैचेस में पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको दाल पीसते वक्त पानी की रिक्वायरमेंट लगे तो आप 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 इंच हम यहाँ पर अदरक का टुकड़ा डालेंगे, एक अच्छा टेस्ट आता है इससे। 4 से 5 मैं यहाँ पर काली मिर्च डाल रही हूँ। यदि बच्चों के लिए ये ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, लंच बॉक्स के लिए तो स्किप कर सकते हैं काली मिर्च को। जीरा डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, और 4 हम यहाँ पर हरी मिर्च ले रहे हैं। ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 ऐड कर रही हूँ। तो एकदम फाइन पेस्ट करके पीस लेना है हमें दाल को। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी पानी की रिक्वायरमेंट लगी थी तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड करके पीस लिया है। तो अब हम इस दाल को एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दूसरा बैच भी दाल का पीस लिया है। इसको मैंने हल्का पतला रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जैसे कि बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी शिमला मिर्च बारीक कट करके ली है, बारीक कटा हुआ हमने यहाँ पर प्याज लिया है, और ग्रेट करके मैंने यहाँ पर लिया है गाजर। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। सभी वेजिटेबल्स को हम बैटर के अंदर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते में हल्का क्रिस्पीनेस आए तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। यदि नहीं है तो आप इसकी जगह पर सूजी ऐड कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने चावल का आटा ले लिया है। तो कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, क्योंकि इस नाश्ते को मैं हल्का चटपटा बना रही हूँ। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, चावल का आटा डालने के बाद में बैटर हमें यहाँ पर गाढ़ा लग रहा है। फ्रेंड्स, जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं, सेम कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पर बैटर चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमारा यहाँ पर बैटर बनकर के रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये आटे वाली ब्रेड ले ली है। तो देखिए, 4 ब्रेड से मैं यहाँ पर बहुत सारा नाश्ता बना करके तैयार करूँगी। तो देखिए, ब्रेड को हमें इस तरीके से फिंगर्स में कट कर लेना है। आप यहां पर स्क्वायर शेप में भी ब्रेड को कट करके ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर सभी ब्रेड को फिंगर्स में कट कर लिया है। तो हम इसको एक प्लेट में रख लेते हैं साइड में। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर गैस के ऊपर मैंने एक पैन को रख दिया है। अब फ्लेम को हमने यहाँ पर एकदम स्लो कर लिया है। तो हम यहाँ पर ब्रश से या फिर चम्मच से हम ऑयल या फिर घी लगा लेंगे। मैं यहाँ पर ये घी में ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रश से है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली हमारा खाना नहीं बनता है। और फ्रेंड्स, मैंने बैटर के अंदर हल्दी पाउडर नहीं ऐड करी थी, तो इसलिए यहाँ पर 2 पिंच हल्दी पाउडर और 2 पिंच मैंने यहाँ पर हींग लिया है। डाइजेस्ट में भी काफ़ी हेल्प करती है हींग। तो देखिए, पैन हमारा यहाँ पर हल्का गर्म हो गया है। तो साथ में हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तिल। इसके बाद 1/4 चम्मच हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं राई। बहुत अच्छी खुशबू आती है नाश्ते में जब हम तिल और राई का तड़का दे करके ये नाश्ता बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए, तिल और राई हमारे यहाँ पर चटक चुके हैं। तो हम यहाँ पर एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और बैटर में हमें इस तरीके से डिप कर लेना है अच्छे से। और इस तरीके से हमें ये नाश्ता सेक करके तैयार करना है। तो सभी ब्रेड की स्लाइसेस को मैं 1 by 1 करके पैन के अंदर इस तरीके से सेक लूंगी। आप फ्रेंड्स, इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे हमें इसे कवर करके रख देना है, जिससे कि दाल जो है वो काफ़ी अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुकी है। हम इस नाश्ते को एक बार पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है एक तरफ से। और स्लो फ्लेम पे हम यहाँ पर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो फिर से हम कवर करके रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुकी है। पलट लेते हैं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा ये जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, हल्का ऑयल लगा करके हमें इसे एक बार साइड के किनारों को भी सेक लेना है, जिससे कि हमारा ये नाश्ता कहीं से भी कच्चा ना लगे खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड के किनारों को भी हम 1-1 मिनट तक सेक लेंगे इस तरीके से अलटते पलटते। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर बहुत ही टेस्टी हेल्दी ये नाश्ता जो है वो बन करके तैयार हो गया है मूंग दाल से। तो फ्रेंड्स, अब हम इस नाश्ते को पैन के अंदर से निकाल लेते हैं। और सेम तरीके से मैं यहाँ पर ये दूसरा बैच भी इसी तरीके से बना करके तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। मैंने इस नाश्ते को टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे हरे धनिये की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर सेजवान चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
यह एक टिफिन बॉक्स रेसिपी है, तो बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। अब मैं आपको ना बीच में से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार ये मूंग दाल का नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए पॉपुलर किचन रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ना थर्ड नाश्ता रेसिपी भी देख लेते हैं, जिसे हम बनाने वाले हैं सूजी से। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी अप्पम, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। जीरो ऑयल में यह हमारा सूजी अप्पम बनकर के तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा जालीदार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आप यदि इसे एक बार बना करके खाएंगे ना, तो नान, रोटी, पराठा, चपाती सब खाना भूल जाएंगे, और सब्जी के साथ इसी को ही बना करके खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस हेल्दी मज़ेदार सूजी अप्पम की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लिया है। यहाँ पर हम ले लेंगे सूजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं मेज़र करूँगी, एक ही मेज़रमेंट रखूँगी, यानी कि मैं कटोरी से मेज़र कर रही हूँ सूजी को, तो कटोरी से ही हम यहाँ पर सारी चीज़ें डालेंगे। तो हमने एक कटोरी सूजी ली है, तो आधा कटोरी यहाँ पर एकदम फ्रेश दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा दही बिल्कुल ना लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। और फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी सूजी ली है, आधा कटोरी दही ली है, तो हम यहाँ पर एक कटोरी डालेंगे पानी। पानी ये नॉर्मल पानी है, यदि आप सर्दी में ये नाश्ता बना रहे हैं तो गुनगुना पानी लीजिएगा। अब हमें सबसे पहले इसको मिक्स कर लेना है, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए और पिसने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, सूजी और दही को हमें पल्स मोड पर 5 से 6 बार पीस लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सूजी और दही को अच्छे से पीस लिया है 5 से 6 बार पल्स मोड पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले रही हूँ, उसमें हम बैटर को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी जो सूजी है काफ़ी अच्छे से फूलेगी, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के लिए कम से कम रखना है। तो फ्रेंड्स, तब तक हम यहाँ पर है ना अपम के लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 10 से 12 आलू ले रही हूँ बॉयल किए हुए, और इनको छील लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी बॉईल किए हुए आलू को छील लिया है। अब हमें हाथों से ना मैश करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आलू को मैश कर लिया है हाथों से। अब मैं यहाँ पर ये शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च ले रही हूँ, जिनको हमें बारीक कट कर लेना है। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यदि नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर कोई और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं स्टफिंग में। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर है ना प्याज को भी बारीक कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये प्याज को भी बारीक कट कर लिया है। अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्टफिंग बना रहे हैं। तो पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, जब ऑयल गर्म हो जाए आधा छोटा चम्मच राई, जीरा और सौंफ डाल देंगे। सौंफ से एक अच्छा टेस्ट आता है। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए तो हम यहाँ पर ये करी लीव्स डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। क्योंकि हम यहाँ पर साउथ इंडियन रेसिपी बना रहे हैं, साउथ इंडियन की हर रेसिपी में करी पत्ते डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर ये बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, उसका हल्का क्रंचीपन रहना चाहिए, यानी कि प्याज हमारी जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तब हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे रेड चिली पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नमक डालेंगे। तो नमक मैं यहाँ पर डाली हूँ आधा चम्मच। मिक्स कर लेंगे, मसालों को अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि मसाले का फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छे से निकल के आए। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ये मैश किए हुए, बॉईल किए हुए आलू।
फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम कर रखा है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर अपम की जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। 2 मिनट के ढक के रख देंगे एकदम स्लो फ्लेम पर, तब तक हम बैटर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले से बैटर जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो यदि आपको हल्के मोटे अप्पम पसंद हैं तो इतना बैटर की जो कंसिस्टेंसी ऐसी रखें, यदि हल्के पतले पसंद हैं तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं बैटर को। फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा सॉफ्ट और फ्लफी और जालीदार बने, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये इनो। इनो से हमारा जो नाश्ता है जो अप्पम है एकदम जालीदार बनेगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर बैटर भी रेडी है, स्टफिंग भी रेडी है, अब हम बना लेते हैं अप्पम को। तो एक पैन रख दिया है, इसके ऊपर हम ऑयल या घी ग्रीस कर लेंगे और 2 मिनट तक हमें स्लो फ्लेम पे इसको ऐसे ही सिकने देना है, या जब तक इसमें ऊपर से ड्राइनेस ना आ जाए। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से जाली पड़ी है। तो ये अच्छे से ड्राई हो गया है, तो हम है ना इसको पलट लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, वैसे अपम को एक तरफ से सेक करके बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों तरफ से सेक रही हूँ। तो अलटते पलटते मैंने यहाँ पर अपम को बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे अपम बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे अपम बना करके तैयार कर लिए हैं, अब इनको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अपम को आप सांभर के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, किसी भी गन पाउडर के साथ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो सर्व कर रही हूँ वो आलू की स्टफिंग के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यह बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाए थे। फ्रेंड्स, यह अपम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपम की सॉफ्टनेस और कितनी सारी इसमें जालियाँ पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट बना है। फ्रेंड्स, ये मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। यह एक साउथ इंडियन रेसिपी है जो साउथ के हर घर घर में बनाई जाती है। फ्रेंड्स, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, जैसे कि हम पैनकेक बनाते हैं ना, सेम तरीके से आप ये समझ लीजिए हमने यहाँ पर ये सूजी का नमकीन वाला पैनकेक बनाया है और इसको सर्व किया है हमने आलू की स्टफिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में रखिए, बच्चे अपना टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। यदि आप रोज़ रोज़ की रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने यहाँ पर अपम बनाना बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए पॉपुलर किचन रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर है ना फोर्थ नाश्ता रेसिपी भी देख लेते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं 2 उबले आलू से बहुत ही टेस्टी हेल्दी ये पोटैटो बॉल्स, जो बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चे भी इस नाश्ते को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों को स्नैक्स खाना बहुत पसंद होता है, चाहे उनको टिफ़िन बॉक्स में रख दीजिए या फिर टी टाइम में बना करके दे दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं पोटैटो बॉल्स। फ्रेंड्स, आज का जो स्नैक्स बना रहे हैं 2 उबले हुए आलू से बना रहे हैं, जिनको मैंने छील लिया है। अब हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। आप यहाँ पर यदि ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पोटैटो मैशर से भी आप यहाँ पर आलू को मैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी बॉयल किए हुए आलू को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये आलू को ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बारीक कट करके लिया है यहाँ पर प्याज, ये हम डाल देंगे आलू के अंदर। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, यदि बच्चों के लिए स्नैक्स बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो बारीक कट करके मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, आप यहाँ पर कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 छोटा चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे रेड चिली पाउडर और नमक हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे अमचूर पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
यदि आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं या आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जीरा डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नाश्ते में। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बॉईल की हुई मटर, 3 से 4 चम्मच के करीब है। फ्रेंड्स, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यदि पनीर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो सब्जी वाला चमचा होता है वो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच भर के ले रही हूँ। चम्मच से यदि हम नापेंगे तो ये 7 से 8 चम्मच हमारा राइस फ्लावर होगा। यदि आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह पर सूजी ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये जो डो है वो लग करके तैयार हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस स्नैक्स को है ना सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नींबू जितने आकार के ये बॉल्स बना करके रेडी कर लूँगी। इस तरीके से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ये एक बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, यदि आटा आपके हाथों में यदि चिपक रहा हो तो आप हल्का सा ऑयल हाथों पे ग्रीस करके तब बॉल्स बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बन जाती हैं ये बॉल्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये सभी बॉल्स बना करके रेडी कर ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, और एक बात, आप इस नाश्ते को डीप फ्रीजर में 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आपका जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने का, कुछ क्रिस्पी खाने का, ये टी टाइम में कुछ स्नैक्स खाने का मन करे तो फ्रिज में से निकालिए, फ्राई कीजिए और टी टाइम में इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब गैस की तरफ चलते हैं क्योंकि अभी हमें इस नाश्ते को फ्राई भी करना है। तो मैं यहाँ पर सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हो, एयर फ्राई भी कर सकते हो, सेलो फ्राई भी कर सकते हो। तो हम एक एक करके बॉल्स है ना ऑयल के अंदर डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसको छेड़ना नहीं है, करछी से या चम्मच से तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यदि आपको इसको हल्का इस तरीके से हिलाना है, बहुत ही केयरफुली तरीके से हिलाना है। तो ये जब ये हल्की हल्की जब ये चारों तरफ से सीख जाती हैं इस तरीके से हिलाते हुए, तब हमें यहाँ पर कलछे का इस्तेमाल करना है। ये बॉल्स है ना आपस में चिपकती नहीं है। तो ये देखिए, हल्का हल्का ये गोल्डन कलर आने लगा है बॉल्स के ऊपर। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रख रखा है। तो देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। कम ऑयल में ये स्नैक्स बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके घर में किट्टी पार्टी हो या बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो आप एक दिन पहले इस नाश्ते को बना करके तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जिस दिन पार्टी हो आप उस दिन बना करके सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल के अंदर से। मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपका आलू से कुछ चटपटा बनाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में या बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। कम ऑयल में बनने वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा स्नैक्स है। तो इंजॉय कीजिए शाम की चाय के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बीच में से तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस स्नैक्स को हरे धने की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगता है। तो दोस्तों, आपको ये 4 नाश्ता रेसिपी का कॉम्बो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए पॉपुलर किचन रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।